इस 15 अगस्त 2022 को भारतीय स्वाधीनता को 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर सरकार ने हर घर तिरंगा ये उपक्रम घोषित किया है। इस उपक्रम के अंतर्गत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देश के हर घर पर अपनी अस्मिता का प्रतीक हमारा तिरंगा हर घर लहराना है, पर इसे लहराते समय तिरंगे का कहीं अवमान न हो ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए। राष्ट्रध्वज कैसे लहराएं? इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। राष्ट्रध्वज हाथ से बुने हुए अथवा मशीन द्वारा तैयार किए हुए सूती, पॉलिएस्टर, सिल्क, खादी या ऊन से बना हुआ होना चाहिए। प्लास्टिक या कागज के झंडे का उपयोग न करें। तिरंगा आयताकार होना चाहिए तथा उसका प्रमाण 3x2 हो, इसका ध्यान रखें। 13 अगस्त से 15 अगस्त यह 3 दिनों तक घर घर में तिरंगा फहराएं, पर हर शाम ध्वज अवतरण की जरूरत नहीं, लेकिन शासकीय कार्यालयों को इस संबंध में फ्लैग कोड का नियमित पालन करना होगा। तिरंगा लहराते वक्त केसरिया रंग हमेशा ऊपर और हरा रंग जमीन की तरफ रहे, इस बात का खास ध्यान रखिए। राष्ट्रध्वज पर किसी भी प्रकार के अक्षर अथवा चिन्ह का प्रयोग न करें। राष्ट्रध्वज का व्यवसायिक उपयोग प्रतिबंधित है तथा ऐसा करना दंडनीय अपराध है। ध्वज का उपयोग किसी भी प्रकार से पोशाक अथवा गणवेश के लिए नहीं किया जा सकता। फटा हुआ या मैला हुआ ध्वज न लहराएं। अन्य किसी ध्वजों के साथ राष्ट्रध्वज को लहराना भी प्रतिबंधित है। राष्ट्रध्वज का किसी भी प्रकार की पताका, तोरण या सजावट के लिए किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ध्वज तरण के पश्चात तिरंगे को सुरक्षित जगह पर रखिए। हमारा राष्ट्रध्वज, ये हमारा अभिमान और हमारी अस्मिता है। चलिए स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर अपनी देशभक्ति की भावना को अधिक उजागर करते हैं, हर घर पर तिरंगा लहराते हैं।